फैजाबाद के मोहम्मद शरीफ साइकिल की मरम्मत कर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारा लड़का 22 साल का था, वो गया था सुल्तानपुर और उसे किसी ने मार के बोरे के अंदर फेंक दिया। उसे लाश नहीं मिली, मुझे इतना अफसोस हुआ, पागल की तरह घूमता था। और उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया कि अब ये जख्म जो है किसी को होने न देंगे। उस दिन से हर लावारिस लाश से शरीफ चाचा ने अपना रिश्ता जोड़ लिया। 20 सालों से शरीफ चाचा इस नेक काम को अंजाम दे रहे हैं। हजारों लावारिस लाशों को उन्होंने कंधा दिया है। आज पूरा शहर उनके इस जज्बे की सराहना करता है। कहीं भी अज्ञात लाश, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके लिए कोई मतलब मायने नहीं रखता। वो हर जगह पहुंच जाएंगे। जो हिंदू है उसको ले जाके वो संस्कार कराते हैं और जो मुसलमान है उसको ले जाके वहां दफनाते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बेटे की लाश को जा रही है, तो वो मैं ये नहीं समझता कि कौन है। मैं ये समझता हूँ खून एक है, ये मेरा बेटा है, मैं इसको ले जा रहा हूँ, इसके माँ बाप को शांति मिलेगी। हमारा संविधान हर नागरिक को इज्जत देने की बात कहता है। शरीफ चाचा अपने काम से इस आदर्श को जिंदा रखे हुए हैं। शरीफ चाचा, लोग मौत से दूर भागते हैं, डरते हैं। आप हर रोज मौत से रूबरू होते हैं, मौत का सामना करते हैं, कहाँ से आती है ये हिम्मत आप में? मेरा बच्चा जब से गया है तब से मुझे शांति नहीं ना। मैं खाना पीना नहीं समझता, सबसे बड़ी इबादत मैं ये समझता हूँ, सब धर्म एक है, खून सबका एक है। सत्ताईस नवंबर 2003 को गया स्टेशन से अपने निवास स्थान की ओर जा रहे सत्येंद्र दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 30 वर्ष के इस युवा इंजीनियर की मौत ने पूरे देश में हलचल मचा दी। इस प्रतिभाशाली इंजीनियर का जन्म बिहार के एक छोटे गांव शाहपुर में हुआ था। उनके गांव में बिजली नहीं थी, लेकिन 6 साल के सत्येंद्र की प्रतिभा ने पूरे गांव में उम्मीद की रोशनी जलाई। गांव की छोटी सी पाठशाला से लेकर प्रसिद्ध IIT कानपुर तक हर इम्तिहान में सत्येंद्र ने अपनी मेहनत और काबिलियत से सफलता हासिल की। कई मल्टीनेशनल कंपनियों के दरवाजे सत्येंद्र के लिए खुले थे, लेकिन सत्येंद्र को देश निर्माण के काम में दिलचस्पी थी। मैं देखता था बाहर के लोग और अपने भैया को, तो जो डिफरेंस इन थॉट्स जो होते थे वो क्लियरली दिख जाते थे। मतलब लोग कितने सो कॉल्ड प्रैक्टिकल सोचते हैं और भैया की सोच कितनी आइडियल होती थी। सन 2002 में 4 महानगरों को सड़क से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी चतुर्भुज योजना का आरंभ हुआ, जिसमें सत्येंद्र को बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर शामिल किया गया। सत्येंद्र कोडरमा झारखंड में 450 करोड़ की लागत से बन रही 80 किलोमीटर की सड़क का कामकाज संभाल रहे थे, लेकिन सड़क निर्माण योजना में हो रहा भ्रष्टाचार उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। टेस्टिंग के टाइम पे कोई और मटेरियल दिखाया जा रहा है, जब बनने जा रही रोड तो वहाँ पे कोई और मटेरियल यूज किया जा रहा है। भैया बिल्कुल मतलब ऐसी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। उनका ये कि मुझे गलत ना करना है ना करने देना है। सत्येंद्र ने बुरी क्वालिटी का बना बनाया रास्ता उखड़वा कर कॉन्ट्रैक्टर को फिर से बनाने को मजबूर किया। कंसल्टेंट कंपनी के 5 भ्रष्ट इंजीनियर्स को सस्पेंड करवाया। इसके बाद भी जब सत्येंद्र ने पाया कि भ्रष्टाचार का जाल जड़ तक फैला हुआ है, तब उन्होंने प्रधानमंत्री को एक गोपनीय खत लिखा, जिसमें सत्येंद्र ने चतुर्भुज योजना में हो रहे घोटाले का खुलासा किया। पत्र में सत्येंद्र ने खुद की पहचान गुप्त रखने की गुजारिश की, मगर ये गोपनीय खत उसी NHAI को पहुंचा, जिसके कई अफसरों के नियत पर खत ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। इस लापरवाही ने सत्येंद्र को भ्रष्ट खोरों के सीधे निशाने पे ला खड़ा किया। सत्येंद्र के लिए स्थिति काफी जोखिम भरी थी। इसके बावजूद सत्येंद्र लड़ते रहे। उन्होंने खुद के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ इंक्वायरी की मांग की, जिसके चलते प्रोजेक्ट डायरेक्टर सस्पेंड हुआ। एक आदमी अकेले सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था।
दिसंबर 2003 से सत्येंद्र बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक नई जिम्मेदारी शुरू करने जा रहे थे। उस समय फिर लोगों में रियल जो डर होता है वो पैदा होना शुरू हुआ कि अभी तक तो ठीक है वो किसी के अंदर थे, अब तो जो है कि वो पूरे के पूरे बॉस बन के आ रहे हैं, तब तो लोगों की और भी हालत खराब होगी कि अब तो जीना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सत्य का सूरज उदय होने से पहले ही बुझा दिया गया। समय जब मेरे को फोन आया तो लोगों ने बोला कि भैया को गोली लगी है, इस नो मोर। सरकार ने उनके परिवार को आर्थिक मदद देनी चाहिए, जिसे लेने से सत्येंद्र के पिताजी ने इनकार कर दिया। हमको न्याय मिलना चाहिए, मुख्य जो कल्प्रेट जो है उसको सजा मिले, उसको पकड़ा जाए, उसको सजा मिले, हमको चाहिए, पैसे की आवश्यकता नहीं है। सत्येंद्र जिस सड़क के निर्माण कार्य में जुड़े थे आज उसकी दुर्दशा हो चुकी है। ये सड़क इस बात का प्रमाण है कि आज भ्रष्टाचार हमारे देश का शिष्टाचार बन गया है। क्या सत्येंद्र का बलिदान व्यर्थ था? क्या हम लायक हैं ऐसी कुर्बानियों के? दोस्तों, सत्येंद्र दुबे की हत्या हर उस बात की तरफ इशारा करती है जो हमारे समाज में भ्रष्ट है, गलत है। और जिस ईमानदारी और हिम्मत के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी जी है वो सच्चाई और बहादुरी का एक प्रतीक है। सत्येंद्र जी ने अपने बलिदान से जो मशाल रोशन की है उसकी लौ हमें कभी बुझने नहीं देनी चाहिए। हमारे दिलों में उनका दर्जा एक शहीद का दर्जा है और ये देश उन्हें हमेशा ऐसे ही याद रखेगा।